सनातन सनत कुमार अंगूठे से प्रजापति दक्ष की उत्पत्ति नारद करदम आदि 10 महात्माओं को ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किया। ये मानसिक पुत्र है। सबसे कहते हैं सृष्टि के चना करो, सब लोगों को नारद जी महात्मा बना देते। ब्रह्मा जी चिंतित हुए तो ब्रह्मा की दाहिनी भुजा से महाराज मनो और बाईं भुजा से महारानी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ। सजन यहीं से मैथिली सृष्टि का प्रारंभ है। और मुझे लगता है ना कि हम आप सब इसीलिए मनुष्य कहे गए। क्यों? क्योंकि हम आप सब महाराज मनु की संतानें हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज मनु शत्रुपा ने हाथ जोड़कर के ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की उत्पत्ति होगी, सृष्टि आगे बढ़ेगी, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं। कमल के पुष्प के ऊपर कितने दिन तक परिवार चलेगा, कितने दिन लोगों का काम चल जाएगा। पहले पृथ्वी की तो आवश्यकता है। ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए और ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आ गई और ब्रह्मा जी के नाक से सज्जनों 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए 12 भगवान की। और 12 भगवान कमल के पुष्प पर जब ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए इतना विराट रूप बना लिया कि ब्रह्मा जी की दृष्टि से बाहर। और 12 भगवान उसी सरोवर में यथा जल सागर में छलांग लगा दिए। क्योंकि एक दैत्य है जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, हिरणाक्ष, जो पृथ्वी को चुरा करके पाताल लेके चला गया। और जब पाताल लोग पहुंचे पृथ्वी को लेकर के 12 भगवान जब चले तो हिरणाक्ष सामने आ गया। बोले युद्ध कर, मेरी इस धरोहर को चोरी करके ले जाना चाहता, मैं नहीं ले जाने दूंगा। 12 भगवान ने कहा आइए ग्राम सिंह, आइए मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जब भगवान ने हिरणाक्ष नाम के दैत्य को ग्राम सिंह कह दिया ना, तो सच बताओ हिरणाक्ष बहुत प्रसन्न हो गया। वो सोच रहा है कि ये 12 मुझे देख करके भयभीत हो रहा है, डर रहा है, इसीलिए मुझे ग्राम सिंह कह रहा है। ग्राम सिंह का मतलब समझ रहा है गांव का शेर। लेकिन सच बताऊं संस्कृत ऐसी भाषा है ना कि अगर ये सामने वाले को गाली दे दो ना तो समझेगा कि महाराज ये आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा ग्राम सिंह आओ, ग्राम सिंह आइए मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो समझ रहा मुझे बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हैं, लेकिन ग्राम सिंह का मतलब योद्धा नहीं है। ग्राम सिंह का सीधा अर्थ होता है गांव का कुत्ता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हमारी अयोध्या में कहावत है, हो सकता है पटियाली तक पहुंची हो, कि अपने गांव में कुत्ते भी शेर होते हैं। संस्कृत में क्या कहा गया? ग्राम सिंह। अपने गांव में कुत्ते शेर होते हैं, इसका संस्कृत होगा ग्राम सिंह। तो कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है। भगवान ने कुत्ते का नाम देकर के संबोधित किया, लेकिन वो समझ रहा मुझे बहुत बड़ा बलवान बता रहा है। ये पारा युद्ध होता है। 12 भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया, हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध किए, जैसे कोई छोटा कि मेरे लिए तो 12 का रूप धारण कर लिया, यानी सुअर बन किया गया, ये मुझसे इतना प्रेम करता है। और आप सब लोग जानते हो कि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। भगवान ने कहा पृथ्वी मैं तुम्हारे लिए 12 का रूप धारण नहीं किया, तुम्हारे बगैर भी मेरा काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि सारे संसार का तो प्रलय होता है, लेकिन दो ऐसे स्थान हैं जिनका कभी प्रलय नहीं होता, जानते हो कौन सा? एक वृंदावन और एक हमारी अयोध्या। इन दो स्थानों का कभी प्रलय नहीं होता। सारे संसार का प्रलय हो जाएगा, लेकिन अयोध्या और वृंदावन का सज्जनों कभी प्रलय ही नहीं होता। आप कहोगे क्यों? गया ना तो तीर्थराज प्रयाग गए भगवान से शिकायत कर, प्रभु आपने मुझे राजा बना करके मेरा अपमान किया। भगवान ने कहा कौन सा अपमान? कहा दुनिया के तीर्थ चले आए, लेकिन वृंदावन और अयोध्या क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने मुझे तीर्थों का राजा बना दिया, तो इन दोनों तीर्थों को आना चाहिए था कि नहीं? भगवान ने कहा हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, तो संसार के तीर्थ तो गए, तो कहा वृंदावन अयोध्या क्यों नहीं गया? भगवान ने कहा वृंदावन अयोध्या ये कोई तीर्थ है ही नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये है क्या?
भगवान ने कहा सच बताऊं ये अयोध्या और वृंदावन ये कोई तीर्थ नहीं है, ये तो मेरा अपना घर है। जैसे बैकुंठ मेरा अपना घर धाम, जहां देवी भक्ति आज भी नृत्य करती नाचती है। इसलिए जीवन मौका मिले तो वृंदावन जाना चाहिए, तभी हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। संतों का बड़ा प्यारा भाव है, सब लोग हमारे साथ गुनगुनाएंगे, मस्ती में झूम करके बोले ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया गोकुल वाले सांवरिया, गोकुल वाले सांवरिया ले चल अपनी वाले सावरिया। हाँ दोबर करके चलिए, हाँ गोकुल चलिए, वृंदावन का दर्शन करिए। हाँ जय हो, कुंज गली में ठुमका लगाइए, राधे तालियों की सेवा। ताली बजाने में पटियाली वाले कुछ कंजूसी करते हैं। संसार से दूर रहूं प्रेम की बाजरिया गोकुल वाले सांवरिया, ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया गोकुल वाले गोकुल वाले गोकुल वाले सांवरिया, सभी भक्त गुनगुनाएंगे गोकुल वाले सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया गोकुल वाले सांवरिया, गोकुल वाले सांवरिया। श्री राधे
हरे जहां गागरिया गोपी भरे आले सावरिया गोकुल वाले सावरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया मैं तो तेरे प्रेम में भई बावरिया गोकुल वाले बोले बतिया अगले जन्म में कछु ही बन के बूढ़े बतिया भगवान की कथा में जो बातचीत करती है ना अगले जन्म में कछु ही बनना पड़ता है बोली भक्तवत्सल भगवान इसलिए कछु ही न बनना पड़े इसलिए शांति व्यवस्था बना की भगवान कथा सुन भगवान जब आगे बढ़ा तो महाराज सज्जनों आगे चल करके एक राजा हुए जिनकी जो दो पत्नियां थी एक का नाम था दिति और दूसरी पत्नी का नाम था अदिति दिति के गर्भ से देवताओं का जन्म अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म और दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ तो अदिति से कई संतानें दिति की से कोई संतान थी नहीं तो दिति अपने पति महाराज कश्यप के पास पहुंच गए और कश्यप जी से कहा पतिदेव मुझे आप पुत्र का दान करो सायंकाल का समय महाराज कश्यप ने कहा दिति कृपा करके बताओ महाराज कश्यप ने नेत्र बंद किया और कहा दिति तुम्हारे गर्भ में एक नहीं दो दो बालक पल रहे हैं और ये दो दोनों बालक ये साधु संत महात्माओं का सम्मान आदर करने कोई और नहीं संत जन कहते हैं भगवान नारायण के दो द्वारपाल हैं ये तो पार्षदो महियम वाराह ने किया हिरणा कश्यप के लिए भगवान नरसिंह नारायण के रूप में आए रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान राम के रूप में आए और शिशुपाल और दंतवक्त के उद्धार के लिए भगवान को कन्हैया के रूप में आना होगा ये चार अवतार भगवान क्यों परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई क्या सतयुग में राक्षस हुए उनके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ा त्रेता युग में राक्षस हुए उनके उद्धार के लिए भगवान राम को आना पड़ा द्वापर युग में राक्षस हुए उनके उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा तो क्या कलयुग में राक्षस नहीं होते अब अगर कलयुग में राक्षस होते हैं तो इनके उद्धार के लिए भगवान क्यों नहीं आते बोले भक्तवत्सल भगवान ध्यान देकर के सुने के बहुत मीठा प्रसंग है कलयुग के राक्षस कौन है तो कलयुग के राक्षस बताओ कौन है कलयुग के राक्षसों का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा 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 साधुन सन करवा जिनके आस आ
से चर सब प्राणी। जो अपनी माता का सम्मान न करे, अपने पिता का आदर न करे, उनकी सेवा न करे, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। और देवी देवताओं से होती रहती कथा सुनने नाम है। देवी देवताओं का सम्मान न करे, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। साधु संतों की सेवा करना, पावन से सेवा लेने का प्रयास करें। जिनके ऐसे आचरण हो गए हैं वो सब बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने पापों के द्वारा स्वयं मार दिए जाते हैं, इसलिए भगवान नहीं आते। संत जन कहते हैं आज भगवान वाराह ने हिरणाक्ष का उद्धार किया। अच्छा, हिरणाक्ष का अर्थ जानते हैं? हिरणाक्ष की कथा तो आप सुने होंगे कई बार, या यहाँ तो सुन ही रहे हैं। हिरणाक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरणाक्ष कहते किसको? पहले संसार सागर में एक हिरणाक्ष था, आज हिरणाक्षों की कमी नहीं है। हिरणाक्ष का सीधा सा अर्थ है हिरण माने होता है सोना, अक्ष माने होता है नेत्र। जिनके अक्ष के समक्ष, नेत्रों के समक्ष सोना अर्थात धन दिखाई पड़े, धर्म से, कथा से, पूजा से, पाठ से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, तीर्थ यात्रा से, माता पिता की सेवा सम्मान से कोई मतलब नहीं। जिनके जीवन का मात्र एक लक्ष्य रह गया है धन, धन के अलावा वो धर्म कर्म सबसे चित होते चले जा रहे हैं, ऐसे जिनके जीवन की प्रवृत्ति बन गई है सज्जनों, वो संसार सागर के जितने जीव हैं सब हिरणाक्ष हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले तो सज्जनों एक हिरणाक्ष था, अब आज धरती पर हिरणाक्षों की कमी नहीं है। कितने लोग हैं, अरे कथा भागवत में क्यों जाए, चले जाएंगे कितना नुकसान हो जाएगा, आप बताओ। नुकसान और फायदा देते, भगवान ने इतना बड़ा मनुष्य का तन बना दिया, इतनी बड़ी संपत्ति मनुष्य के शरीर के रूप में हमको आपको दे दिया। भगवान ने तो ये तो नहीं देखा कि मनुष्य बना रहे फायदा होगा कि नुकसान होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान, हम आप अपना नुकसान और फायदा भगवान की कथा में, तीर्थयात्रा में, भजन में, पूजा पाठ में देखते। संत जन कहते हैं महाराज मनु और शत्रुपा के सज्जनों पांच संतान्य हुए, जिनमें तीन कन्या और दो पुत्र। ध्यान देके सुनो, कन्याओं का नाम है आकहुति, देहहुति, प्रसूति, और पुत्र का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज मनु की पांच संतान। आकहुति का विवाह महाराज मनु ने रुचि नामक प्रजापति के साथ किया, पुत्रिका धर्म के अनुसार। पुत्रिका धर्म का अर्थ होता है, मतलब होता है कि मेरी बेटी से चाहे बेटा जन्म ले और चाहे बेटी जन्म ले, उस पर केवल मेरा अधिकार होगा। ये शर्त रख करके जो माता पिता अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसको कहा जाता है पुत्रिका धर्म। सज्जनों, आकहुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य। और यज्ञ नारायण भगवान जब बड़े हुए ना, तो यज्ञ नारायण का विवाह हुआ। किसके साथ? यज्ञ नारायण का विवाह किया गया दक्षिणा नाम की कन्या के साथ। क्या समझे? यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। इसीलिए कथा हो, भागवत हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, हवन हो, कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो पंडित जी लोग बिना दक्षिणा के एक भी मंत्र नहीं पढ़ते। बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, तो बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ आपके संपन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ की पत्नी ही है दक्षिणा। इसे बिना पत्नी के कोई धर्म कर्म नहीं करना चाहिए। कोई धर्म कर्म पूजा पाठ करें तो पत्नी साथ में। तो इसी तरह यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा।
इनकी एक लाडली दुलारी बेटी और हैं जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया गया, ध्यान देके सुनेंगे। अब इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया और एक कन्या है जिनका नाम है स्वाहा। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ किया गया। अग्नि देवता की पत्नी का क्या नाम? स्वाहा। और एक कन्या और है जिनका नाम है स्वधा। स्वधा का विवाह पितृ देवता के साथ किया गया। इसलिए आपने देखा होगा जब देवताओं के लिए यज्ञ होती है तो उसमें स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। अब गया आज तीर्थों में जब पिंडदान श्राद्ध कर्म हम आप करते हैं तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, वहां स्वधा का उच्चारण होता है, क्योंकि पितृ देवता की जो पत्नी है उनका नाम है स्वधा। एक लाडली दुलारी बेटी और है प्रसूति की जिनका नाम है सती। सबसे छोटी बेटी है जिनका विवाह भोले बाबा के साथ किया गया और यही सती जी अपने पिता जी के यहाँ ही जाकर के योगा अग्नि में अपने शरीर को जला करके नष्ट कर लिया। और संत जन कहते हैं लेकिन जब सती जी अपने शरीर को जलाने के लिए चली थी तो भगवान नारायण से सती जी ने एक प्रार्थना किया था। संत जन कहते हैं ये सिद्धांत अंते या मति सा गति का है। अंत में हमारी आपकी मति, हमारी आपकी बुद्धि जहां लगी रहेगी सज्जनों, अगला जन्म हमारा और आपका वैसे होने वाला है। इसलिए भागवत कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं ना, ध्यान दे करके सुने। अंत समय जीवन का आवे तो अपनी मति को अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाओ। कितने लोग जब वृद्धापन की अवस्था आती है ना तो कुत्ते और बिल्ली में अपने मन को लगा देते, अपनी मति अपनी बुद्धि को कुत्ते बिल्ली के प्रेम में लगा देते। उसका परिणाम ये होता है कि अगर अंत समय में कुत्ते बिल्ली से प्रेम करेंगे, मोह ममता में कुत्ते बिल्ली के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो अगले जन्म में कुत्ते और बिल्ली ही बनना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्त बोलेंगे शिव अनुरागा। जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती जी तो अगला जन्म जो उनका हुआ राजा हिमांचल की पुत्री बनी, नाम पड़ा पार्वती और फिर से भोले बाबा से उनका विवाह होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इनकी महाराज मनु सतरूपा की लाडली दुलारी सबसे एक बेटी और हैं जिनका नाम है सज्जनों देहूति। देहूति का विवाह महाराज कर्दम के साथ किया गया। महाराज कर्दम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा शादी विवाह करके सृष्टि बढ़ाओ। नारद जी ने कहा सृष्टि में कुछ नहीं रखा, भजन करो। चले गए पहले तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्ष तक महाराज कर्दम ने, भगवान ने कहा कर्दम जी वरदान मांग लीजिए। कर्दम जी के मन में एक भाव आया कि हमारे पिता ब्रह्मा की इच्छा थी कि शादी विवाह करके कुछ गृहस्थी बढ़ाऊं, लेकिन मैं भजन में लग गया तो कम से कम अब तो मुझे गृहस्थी के कार्य में लगना चाहिए। लेकिन इतना संकोच है सज्जनों, इतना संकोच है ना कि ब्रह्मा जी के सामने ये कह ही नहीं पाते महाराज कर्दम कि ऐसा आशीर्वाद दे दो, वरदान दे दो, मेरा विवाह हो जाए। पहले के समय माता पिता के सामने शादी विवाह की चर्चा होती थी तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो इतने संकोच होता था। लेकिन आज सारा संकोच समाप्त हो गया। अब तो बेटे की विवाह की चर्चा होती ना, सबसे पहले बेटा पिता के पास, पिताजी विवाह की चर्चा के ठीक तीसरे दिन
भगवान की कृपा से महाराज मनुसतरूपा अपनी लाडली दुलारी बेटी देवहूति को लेकर के इसी जंगल में आएंगे और उन्हीं के साथ तुम्हारा पाणि ग्रहण संस्कार होगा। इतना वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुटिया बना करके करदम जी तपस्या कर रहे थे और आज वही तीसरा दिन है। एक सुंदर रथ, उस पर महाराज मनु सतरूपा अपनी लाडली दुलारी बेटी देहूति को लेकर के बैठे हैं और करदम जी की तरफ आगे आ गया। कुटिया के सामने रथ को खड़ा करके और तीनों प्राणी बेटी के साथ अपने महाराज मनु सतरूपा नीचे उतरे, कुटिया में गए। सच बताऊं महाराज करदम के पास कुसा के तीन आसन रखे थे, तीनों आसन लगा दिया। एक आसन अपने होने वाले ससुर जी के लिए, ध्यान देके सुनेंगे, दूसरा आसन अपनी होने वाली सासुरानी के लिए और तीसरा आसन होने वाली पत्नी के लिए। और मन में संकल्प लिया, अगर इस परीक्षा को देवहूति उत्तीर्ण करेंगी, पास करेंगी, तब मैं इनसे विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह करूंगा नहीं। आज देवहूति की कठोर परीक्षा ली जा रही है। सजनों, ऐसा नहीं कि कन्याओं की परीक्षा आज ही होती है, पहले भी होती थी, लेकिन आज केवल स्वरूप देखा जाता है और पहले उनकी बुद्धि विवेक और उनकी सहनशीलता की परीक्षा होती थी। सच बताऊं कौन सा संकट देवहूति के पास, देवहूति के पास सबसे बड़ा संकट, क्योंकि आसन पर महाराज मनु बैठ गए, सतरूपा जी बैठ गई। अगर देवहूति जी आसन पर बैठ जाती हैं, तो आसन लगाया कौन है? आसन होने वाले पति ने लगाया है। और माताओं को चाहिए कि पति की सेवा करें, पति से सेवा लेना ये अपराध है। पति के लिए आसन लगाएं, ये नहीं कि पति देवता से आसन लगवाऊं, नहीं तो पातित व्रत भंग हो जाता है। पत्नियों का ये कर्तव्य नहीं है। और पहले के समय में हमारी माताएं अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का अच्छे से पालन करती थी, पति से सेवा लेती नहीं थी। लेकिन आज तो समय का ऐसा परिवर्तन हो गया ना कि बेटी पति देवता ही बना के पिलाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान, पटियाली की माताएं ऐसी नहीं है, ये दिल्ली बम्बई कलकत्ता महानगरों की बात है। बोले भक्तवत्सल भगवान, आप लोग चैतन्य हो की कथा सुनिए, अब कोई संकोच नहीं। लेकिन जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि माताओं के जीवन का एक ही कर्तव्य है, एक ही लक्ष्य है, मन से, वाणी से, कर्म से पति की आज्ञा का पालन करें और पति की सेवा करें। इसीलिए महात्माओं ने वर्णन किया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 गाय वचन मन पति पद प्रेमा, गाय वचन मन पति पद प्रेमा, गाय वचन मन पति पद प्रेमा। ये पूरी चौपाई केवल माताओं के लिए है, क्या का पालन कैसे होगा? आगे कुआं और पीछे खाई, आसन पर बैठ जाएं तो पाति व्रत भंग, न बैठे तो पति की आज्ञा का उल्लंघन, क्या किया जाए? और ये परीक्षा आज करदम जी ले रहे हैं तो बता करके नहीं ले रहे हैं, ये परीक्षा मन में ले रहे हैं कि अगर इस परीक्षा को देहूति उत्तीर्ण करेंगी तब तो मैं विवाह करूंगा, अन्यथा करूंगा। माताओं बताओ कैसे पास करना है? मैं बार बार कहता हूं कि आज भी हमारे भारतवर्ष में पतिव्रता नारी है। आज ये भारत देश अगर ऊंचाई पर जा रहा है और भारत देश की चर्चा सारे संसार में होती है, उसका दो कारण है। एक, हमारी इस धरती पर, भारत की भूमि पर आज भी पतिव्रता माताएं हैं। पतिव्रताओं का पतिव्रतत्व है और संतों का संतत्व है। विदेशों में सब चीज संभव है, लेकिन न पतिव्रता मिलेगी वहाँ और न वहाँ संत मिलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान, और हर चीज मिल जाएगी। सज्जनों,
एक महात्मा का नाम जितने लोग बैठे हैं सबने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज। एक बार गए अमेरिका, बहुत मीठा प्रसंग है, ध्यान देकर के सुनेंगे। और जब स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज गए अमेरिका ना, सच बताऊं 3 घंटे तक एक मंच पर खड़े होकर के केवल भारत की नारियों का जय जयकार किए। विवेकानंद जी ने कहा क्यों? उसने कहा सुनो बाबा, आपके भारत का संविधान इतने तक है कि अगर गांव का प्रधान कोई पुरुष बनता है तो हमारी महिलाएं भी बनती हैं। डीएमएस डीएमएसपी के पद पर कोई पुरुष प्रतिष्ठित होता है तो हमारी माताएं भी इस पद को प्राप्त कर सकती हैं। विधायक सांसद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के आसन पर अगर भारत का कोई पुरुष प्रतिष्ठित हो सकता है तो महिलाओं को भी अधिकार है। और माताएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद को ग्रहण की हैं। आपके भारत देश की माताएं ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद से आगे नहीं जा सकती। और जिन विदेशी महिलाओं के सामने आप भारत की माताओं की चर्चा कर रहे हो ना, सुन लो, ये विदेशी महिलाएं चंद्रलोक तक का भ्रमण करके आ गई हैं। आपके भारत देश की माताओं न जाने कितने वैज्ञानिक अपने पूरे जीवन को लगा दी, न जाने कितने हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया, और विशेष विमान पर बैठा करके वैज्ञानिकों की दृष्टि में तो अंतरिक्ष में भेजा गया। लेकिन मैं उन भारत देश का नागरिक हूँ और उन भारत देश की माताओं का जय जयकार करता हूँ। केवल चंद्र लोक तक नहीं, भारत की नारी अपने जीवन में केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके चंद्र लोक तक नहीं अपितु भूर भुवा स्वाह जनाह तपाह सत्य वैकुंठ अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 14 भुवन का दरवाजा खटखटा करके यमराज के यहाँ जा करके अपने मरे हुए पति को वापस लेकर के आई है। ये सामर्थ्य केवल भारत की नारी में है और अन्य विदेशी महिलाओं में नहीं। सज्जनों, न किसी वैज्ञानिक का सहारा और न किसी विमान का सहारा, अनेक रुपया खर्च। इस प्रसंग को समझना हो सत्यवान और सावित्री के चरित्र को जाकर के पढ़ लेना। सावित्री ने अपने जीवन में केवल पातिव्रत धर्म का पालन किया था और सत्यवान का जब प्राणांत हो गया ना, 14 भुवन का दरवाजा खटखटा करके यमराज के यहाँ जाकर के अपने मरे हुए पति को वापस लेकर के आई थी सावित्री। किसके बल पर? केवल पातिव्रत धर्म के बल पर। हमारी माताएं अगर अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करें तो दुनिया का असंभव भी संभव कर सकती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सजनों आए, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं इस आसन को हृदय से स्वीकार कर रही हूँ, हाथ रख करके, और परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। विवाह की तैयारी करदम जी ने शर्त रख दिया, 1 संतान होने के बाद जंगल चला जाऊंगा। महाराज मनु शत्रुपा ने कहा नहीं, मैं ऐसे महात्मा के साथ अपनी लाडली दुलारी राजकुमारी बेटी का विवाह करूंगा ही नहीं, जंगल चले जाओगे मेरी बेटी का देखरेख कौन करेगा। देहूति ने कहा नहीं पिताजी, मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है। सज्जनों सच बताऊं, क्योंकि देहूति का विवाह अगर इस संसार सागर में किसी से हो सकता है ना, तो केवल करदम। करदम के अलावा देहूति को किसी के पास वरण करने में सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि देहूति का अर्थ आप जानते हैं। देहूति का सीधा अर्थ है जिसने अपने शरीर की संपूर्ण आहुति देवताओं को कर दी है, वही है देहूति। और देहूति का विवाह अगर होगा तो केवल करदम के साथ होगा, क्योंकि करदम का अर्थ है जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया हो, वही है महाराज करदम। बोली भक्तवत्सल भगवान की। विवाह की तैयारी हुई, करदम जी पाणी ग्रहण संस्कार के बाद जब अपनी पत्नी देहूति का हाथ पकड़ के कुटिया में आए, आसन लगाए बैठ गए ना, 40 वर्ष के लिए समाधि लग गई, समाधि में चले गए। 40 वर्ष के बाद समाधि जब टूटी तो एक बुढ़िया सेवा करे, तुम हो कौन? देहूति ने कहा मुझे पहचाने नहीं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। कुछ कुछ पहचान गया, हाथ पकड़ के लेके गए बिंदुनाम के सरोवर में स्नान किया। और स्नान के उपरांत एक बहुत मीठी बात बताऊं, दोनों नवयुवक हो गए।
सबसे पहला विमान अगर इस भारत देश में किसी महात्मा ने बनाया, विमान का आविष्कार अगर किसी ने किया, तो इस भारत की भूमि में और हमारे महात्मा महाराज करदम हैं, जिन्होंने कामत विमान को प्रकट करके पति पत्नी उस पर आरूढ़ होकर के सारे संसार का भ्रमण किए और जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए ना, तो सबसे पहले कन्याएं जन्म लेना प्रारंभ हो गए। एक कन्या हो गई, दो कन्या हो गई, तीन कन्या हो गई, तीन नहीं आपको बताऊं, धीरे धीरे नौ नौ कन्याओं का जन्म हुआ है। आप जरा विचार करो, वध कर दे रहे हैं, भ्रूण हत्या करा दे रहे हैं। और एक बहुत मीठी बात मैं आप सबके सामने आज प्रकट कर देना चाहता हूं, संसार सागर में जितने शास्त्र पुराण वेद श्रुति स्मृति जो कुछ भी ग्रंथ हमारे आपके यहाँ है, समस्त ग्रंथों में दुनिया के समस्त अपराधों का के पापों का प्रायश्चित है, लेकिन जिस घर में जिस परिवार में जिस कुल खानदान में कन्याओं का वध होता है, कन्याएं गर्भ में मार दी जाती हैं, जन्म लेने के बाद मार डाली जाती हैं, इतने बड़े पाप का प्रायश्चित किसी ग्रंथ में आप नहीं दिखा सकते, किसी पुराण में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार सागर का सबसे बड़ा अगर कोई अपराध है तो इन कन्याओं को गर्भ में मारना। इसलिए आप सबसे निवेदन करो, इतने बड़े जघन्य अपराध से हम आप बचे। केवल एक कुल खानदान को तारता है, अगर हमारे आपके सबके यहाँ बेटी का जन्म होता है तो बेटी दो दो कुल खानदान को तारती है। अब माताएं सुनी होंगी, जिस गर्भ से बेटियों का जन्म नहीं होता वो गर्भ कभी पवित्र ही नहीं होता। बोली भक्तवत्सल भगवान, जब तक माता करके लेके जाना भगवान नारायण के ठाकुर जी के सामने रख देना, भोग लगा देना, लेकिन आपके उस प्रसाद को आपके 56 प्रकार के व्यंजन को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। कब तक? जब तक उस व्यंजन में तुलसी का तल नहीं होता तब तक तुलसी पत्र नहीं तो भोग सामग्री स्वीकार नहीं। इसी तरह जिस जन्म नहीं हुआ, गर्भ से बेटियां जन्म नहीं ली, तो हाथ से किया गया दान पुण्य कथा भागवत न पितृ आपके स्वीकार करेंगे और न देवता स्वीकार करेंगे। इसलिए हमारे आपके सबके जीवन में बेटियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ऐसी बेटियों को हम आप सब गर्भ में मार देते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया, गुनगुनाएंगे सब लोग, बोलेंगे जय हो। सबसे पहले अपने भाई के पास जाती है। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना बुलाना रक्षा बंधन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की। मस्ती में गुनगुनाते रह रहे हो,
पराया धन होती है। निर्धन की राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मुझको सगुण गीत गा के चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुण गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया।